नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपनी चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, सीएचएस संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। पिछली बार दोस्तों, जब मैंने आपको बनाया था क्लास 9th और 11th वालों के लिए आपके हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर इस सेशन को भी और चलाइए और इसका नेक्स्ट वीडियो भी जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराइए। तो क्योंकि आप लोगों को हिंदी में समस्याएं हैं और हिंदी में आप लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, इसलिए आप दोस्तों हिंदी की लगातार क्लास में आपके लिए लाता रहता हूं, जिससे कि हिंदी में आपके एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन भी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जितने क्वेश्चन आपके लिए गए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं और एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों को लिखकर याद कर लेंगे और यही क्वेश्चन है जो सीधे परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। दोस्तों, जो भी आपके यहाँ पर जो भी आपके नए हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसका जो पहला वीडियो आया था आपके हिंदी वाला, जाकर देख लेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। देखिए, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो मैंने आपको कई बार बताया संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मिल से जो भी आपके विकार परिवर्तन होता है उसे कहते हैं संधि। और संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि आपकी कुल तीन प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है आपके आपके विसर्ग संधि। बात करेंगे स्वर संधि की, तो स्वर संधि ये भी कुल पांच भेद होते हैं। इसमें एक होता है आपका दीर्घ संधि, एक होता है गुण संधि, एक होता है वृत्त संधि, एक होता है यण संधि और एक होती है आपकी आयात संधि। और कई बार क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको इन पांचों के बारे में फुल डिटेल में चर्चा की है एक एक करके। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्वर संधि के आपके कुल पांच भेद होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, की संख्या की बात आई तो दो तीन बातें मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी बात करें अगर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के कुल पांच भेद होते हैं। बात करें सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो नाम के दोस्तों कुल छह भेद होते हैं। बात करें कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के कुल चार भेद होते हैं। बात करें कि अव्यय के कुल कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के कुल आपके चार भेद होते हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं आपकी परीक्षा में बार बार देखने को मिलती हैं। तो ये बार बार आपके रिवाइज करके आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, संधि से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संधि विच्छेद होता क्या है। तो संधि के नियम से अगर कोई शब्द बना हुआ है फिर से उसके उसी रूप में ले जाने को आपको संधि विच्छेद कहते हैं। फिर से उसको विस्तृत रूप में अगर आप ले जा रहे हैं, जिस प्रकार से समास में समास विग्रह होता है उसी प्रकार के से संधि में संधि विच्छेद होता है। तो अत्याचार में कौन सी आपका संधि विच्छेद क्या होगा, यह से पूछ रहे हैं। अतिधन आचार बिल्कुल नहीं, अतिधन चार, अत्याधन चार ये भी नहीं होगा दोस्तों की, अतिधन आचार ये आपसे पूछ रहे हैं, बताइए उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, ये आपके यण संधि का उदाहरण है अतिधन आचार। अतिधन आचार और क्या होता है, आपका अत्याचार होता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर ई और बड़ी ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है दोस्तों, तो जो आपका ई और बड़ी ई होता है ये आपके य में बदल जाता है और आने वाले स्वर की मात्रा को ले लेता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अति में आपका छोटी ई है और ये जब आ से मिल रहा है तो ये आपका यह हो जा रहा है और आगे वाली मात्रा आपकी बड़ा है तो बड़ा यह हो जा रहा है और ये आपका जो ता होता है ये आता हो जाता है। तो अत्याचार इस प्रकार से बन जा रहा है। किस संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन की परीक्षा में देखने को मिले। दोस्तों, ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। और अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ सकते हैं। कई सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और आप भी जुड़ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। देखिए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय ये आपके शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये शब्दांश होते हैं। और जो उपसर्ग होता है ये किसी भी शब्द के दोस्तों आपके आदि में मतलब कि शुरुआत में जुड़कर उसको आपके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। और दोस्तों, जो आपके प्रत्यय होते हैं, जो आपके प्रत्यय होते हैं ये आपके क्या होते हैं, आपके ये किसी भी शब्द के पीछे पीछे जोड़कर क्या करते हैं दोस्तों, शब्द को परिवर्तित कर देते हैं। तो पसे पीछे और पसे प्रत्यय याद रखेंगे कि प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग क्या होता है, आपके आगे लगता है। तो यहाँ पर देखिए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है ये आपसे पूछ रहा है, अपवाद, पराजय, प्रभाव या फिर आपके ओढ़ना। तो दोस्तों, वाद में आपके अप उपसर्ग जोड़कर अपवाद बना है ये तो होगा नहीं, पराजय में जय में आपका उपसर्ग जोड़कर पराजय हुआ है और भाव में प्र जोड़कर आपके उपसर्ग हुआ है प्रभाव बना है। तो ओढ़ना में दोस्तों किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है और इन तीनों में आपका उपसर्ग है। तो इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अवश्य आता है कि पर्यायवाची शब्द से, पर्यायवाची शब्द से। तो अभी दोस्तों, हमारे पर्यायवाची शब्द के दो वीडियो हो चुके हैं और एक वीडियो तो अभी आपको 4 बजे हुई थी, आज के ही दिन 4 बजे आपकी हुई थी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और दोस्तों आपके चैनल पर जाएंगे, विजिट करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा पर्यायवाची शब्द वाला। तो वीडियो जाकर अवश्य देख लीजिएगा क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और एक वीडियो मैंने बनाया था कि एक ही आपके वीडियो में पूरे 500 शब्द आपको एक ही वीडियो में कराए गए थे, 3 आवर्स का वीडियो है। अगर आप एक बार में नहीं देख पा रहे हैं तो आप जाकर इसको 3 बार में 1-1 घंटे करके देख लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 500 शब्द का लेते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द के, तो पर्यायवाची विलोम और अनेक शब्दों के एक शब्द सब आपके एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और जितनी वीडियो की मैं बात कर रहा हूं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन या फिर आपके आपके आई बटन पर आपको इन सब की लिंक मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, आप बात करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहां पर आपको एक वीडियो मिलेगा हिंदी
हिंदी की संपूर्ण वीडियो की प्लेलिस्ट, जाकर वहाँ पर आप देख लेंगे। देखिए कनिष्ठ शब्द में प्रत्यय बताइए, तो कनिष्ठ शब्द में कौन सा आपका प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन की परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों कनिष्ठ में आपका कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय जुड़ा है, कौन सा आपका इष्ट प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन की परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं। और प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, आपके पीछे की तरफ जुड़ते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो कन शब्द में इष्ट प्रत्यय जो कनिष्ठ आपका बना हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाह में प्रत्युत, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा, ये आपसे पूछा है कि इसमें आपके निर्वाह में, निर्वाह में कौन सा आपका उपसर्ग, मतलब जो आपके आगे की तरफ कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर दोस्तों का हालांत रहेगा, और निर उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है आपके किसमें, निर्वाह में। देखिए कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, ये भी मैंने आपको कई बार बताया कि कृदंत जो प्रत्यय होते हैं ये किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय आपके किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, या फिर क्रिया से। तो दोस्तों जो आपके प्रत्यय होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृदंत प्रत्यय और एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, तो तद्धित प्रत्यय दोस्तों संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनके पीछे लगते हैं, और दोस्तों आपके जो कृदंत प्रत्यय होते हैं ये क्रिया, ये क्रिया के पीछे लगते हैं। तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे दोस्तों, क से होता है क्रिया और क से होता है आपका कृदंत, तो कृदंत क्रिया के पीछे लगता है। इस प्रकार से इसको ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं कि कृदंत भी आपके क से स्टार्ट होता है और क्रिया भी क से, तो कृदंत प्रत्यय आपकी क्रिया के पीछे लगता है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनके पीछे जुड़कर आपके इसके अर्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, देखिए उपसर्ग के कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि उपसर्ग कितना इंपॉर्टेंट प्रत्यय है, तो इसको आप याद कर लेंगे। देखिए उपसर्ग रहित, उपसर्ग रहित मतलब किसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, सुयोग में, योग में सुयोग है, विदेश में वी आपका उपसर्ग है, सुयोग में सु आपका उपसर्ग है, अत्यधिक में अति उपसर्ग है आपका, अत्यधिक में आपका अति उपसर्ग है, और सुरेश में किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। दोस्तों अत्यधिक का आपका होता है अतिधन, अधिक बराबर अत्यधिक होता है, तो इसमें अति उपसर्ग जुड़ा होता है, तो इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, उसमें उपसर्ग है, और सुरेश में किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग रहित शब्द आपका डी हो जाएगा, सूर्य। दोस्तों सुरेश की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का संधि शब्द है, और इसका संधि विच्छेद होता है आपके सूर्यधन ईश बराबर सूर्यस बनता है, ठीक है, एक प्रकार के एक गुण संधि का उदाहरण है। इस प्रकार आपके एक एक क्वेश्चन से मैं आपको कई सारे बातें बताता रहता हूँ जिससे आप लोग समझ सकें, और मैंने आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि संधियाँ क्या होती हैं। संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों की मदद से होने वाले परिवर्तन को, होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि आपके तीन प्रकार के होते हैं, आपके स्वर संधि, नियम संधि, विसर्ग संधि, और बात करेंगे स्वर संधि की, इसके गूगल पाँच भेद होते हैं, यही क्वेश्चन की परीक्षा में पूछा गया था कि पिछले ईयर्स में। देखिए गौशाला में कौन सा समास, दोस्तों ये आपका जो सेशन है ये आपकी क्लास नाइन्थ और क्लास इलेवंथ वालों दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी दोनों इस क्लास को अवश्य देखेंगे, और अगर कोई अच्छे वाला बच्चा दिख रहा है तो इसलिए दोस्तों आप चैनल को जाकर विजिट कीजिए। अच्छा का एक स्पेशल वीडियो मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा थे 2017 का पेपर, तो जाकर आप लोग भी देख सकते हैं, वो भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि सीएचएस संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर कराया जाता है, और हमारे 7-6 प्रैक्टिस सेट अभी तक हो चुके हैं, 6 प्रैक्टिस सेट, इसमें आपको साइंस के, हिस्ट्री के सबके प्रैक्टिस सेट आपको कराए गए हैं, और ये प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक वीडियो आपके 30-30 मिनट का है, एक एक प्रैक्टिस सेट, और एक एक प्रैक्टिस सेट में ढेर क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। देखिए दोस्तों फ्री क्लासेस में जितना करता हूँ उतना कोई भी नहीं करता, सिस्टमेटिक वे से आपके 17 अगस्त से मैंने आपको एक 17 अगस्त से दोस्तों एक आपके रेगुलर क्लासेस भी चला दी है, तो फ्री सारी फ्री क्लासेस में आपको कराता हूँ, और इसीलिए कि आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, जब तक आपका सपोर्ट बना हुआ है तब तक हमारी भी क्लासेस चल रही हैं, इसलिए अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्र जो भी आपको सीएचएस की तैयारी करें उन्हें बताइए, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तैयारी होती है, और आप लोग भी आकर अवश्य ज्वाइन कीजिए। देखिए दोस्तों गौशाला में कौन सा समास है, तो तुम दो शब्दों के मिल से जो आपके आपको जो का संक्षिप्तीकरण होता है उसे ही कहते हैं, आपके कहते हैं उसे कहते हैं समास। तो गौशाला में कौन समास है, पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, या फिर द्विगु समास। तो थोड़ा थोड़ा बातें यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, थोड़ी थोड़ी बात देख लेंगे कि कौन सा समास क्या है। देखिए तत्पुरुष समास की बात करें दोस्तों, तो तत्पुरुष ऐसा समास होता है जिसका आपका उत्तर पद प्रधान होता है, और जिसमें जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, जो आपके विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका इसमें लोप हो जाता है, ठीक है, लोप हो जाता है, ये आपकी तत्पुरुष की बात हो गई। द्वंद्व समास की बात करेंगे तो इसमें दोनों पद आपके दोनों पद आपके प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे मैं कहूँ सुख और दुख, तो सुख भी प्रधान दुख भी प्रधान, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाता है, और योजक चिन्ह का प्राय उपयोग किया जाता है इसके बीच में। कर्मधारय समास की बात करेंगे तो कर्मधारय समास कौन सा, दोस्तों कर्मधारय समास होता है जिसमें आपके जो पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं, जो आपके पूर्व पद और जो आपके उत्तर पद होते हैं, उत्तर पद इसमें क्या दोस्तों आपके विशेषण विशेषिका संबंध होता है, आपके किसका दोस्तों आपके विशेषण और विशेषिका। तो विशेषण विशेष क्या है दोस्तों, विशेषण विशेष जो है कि जो आपकी विशेषता बताता है, जो शब्द उसे कहते हैं विशेषण, और जिसकी विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेष्य। इसमें एक शब्द की बात करूं नील गाय की, ये बात मैं आपको बार बार बताता हूँ कि नील गाय, इसमें नील गाय दोस्तों, इसमें नील क्या है दोस्तों, नील मतलब होता है आपका नीला, और ये आपका विशेषण विशेषता बता रहा है आपकी गाय की, गाय कैसी आपकी नीली है, तो ये आपका विशेषण है।
और किसकी विशेषता बता रहे हैं आपकी गाय की, तो गाय है आपका विशेष, और जिसमें विशेषण विशेष का सुयोग है, उपमान उपमेय का सुयोग है, सुयोग है उसे कहते हैं आपके कर्मधारय समास। तो ये समझ गए। अब द्विगु समास की बात करेंगे तो द्विगु समास कौन होता है, इसमें दोस्तों आपका जो प्रथम पद होता है जिसे कहते हैं पूर्व पद, प्रथम पद दोस्तों का संख्यावाची विशेषण होता है। कैसा विशेषण आपकी संख्यावाची, संख्यावाची विशेषण, जिसमें कहूँ आपके चौराहा, जिसमें आपको करूँ त्रिवेणी, जिसमें आपको कहूँ पंजाब, यहाँ पर देखिए मतलब चार, ये आपका संख्यावाची विशेषण है। त्री मतलब तीन होता है, जहाँ पर तीन बिड़ियों का समाहार, जिससे आप क्या है पंजाब में पांच नदियों का समाहार तो पंजाब होता है। तो इस प्रकार से जिसमें प्रथम पर संख्यावाची विशेषण होता है उसे कहते हैं आपके द्विगु समास। रह गया दोस्तों आपके अव्यय भाव समास, इसका प्रथम पद आपका अव्यय, उसे कहते हैं अव्यय भाव समास। और रह गया आपका बहुव्रीहि समास, जिसमें दोस्तों का ना प्रथम पद अव्यय हो, ना प्रथम पद प्रधान हो, ना दूसरी पद बल्कि तृतीय पद प्रधान होता है। और अव्यय भाव समास में आपकी प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद यही एकमात्र ऐसा समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। और बहुव्रीहि समास में आपका कोई अन्य पद मतलब तीसरा पद, तीसरा पद प्रधान होता है। जिसमें कह दूँ दोस्तों के जिसमें आपको कहूँ कि पीताम्बर, पीताम्बर तो ना दोस्तों इसमें आपके पीत मतलब पीला आपका आपका प्रधान है, ना पर अम्बर मतलब कपड़ा प्रधान है, बल्कि एक तीसरा पद प्रधान है जिसे कहते हैं कि विष्णु। पीताम्बर मतलब जो पीला वस्तु को धारण करता है जैसे विष्णु, तो विष्णु प्रधान है, मतलब कि तीसरा पद प्रधान है, इसे कहते हैं कि बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो गौशाला में कौन समझते हैं, गाय के लिए साला, गाय के रहने के लिए साला, गाय के लिए साला मतलब होता है गाय के लिए साला मतलब रहने का स्थान, गाय के लिए साला। तो क्या होता है दोस्तों, ये संप्रदान पुरुष समाज का उदाहरण, संप्रदान तत्पुरुष समाज का उदाहरण है। तो आपका ये विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो सबके बारे में मैंने आपको बता दी, जैसे एक ही क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहे हैं। अब दोनों समाज पूछेगा तो आप लोग आसानी कर देंगे, जैसे पूछ ले बहन भाई तो कौन समाज है आपके दोनों समाज है, जैसे आपसे त्रिवेणी चौराहा इस प्रकार से पूछे तो आपका द्विगु समाज है। कर्मधारय समाज क्या होता है दोस्तों, कर्मधारय समाज आपके जैसे नीलगाय आपसे पूछ ले, जैसे नीलगाय आपसे पूछ ले तो आप आसानी कर देंगे। तो इस प्रकार से सारे समाज मैंने आपको एक ही क्वेश्चन से आपके पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 15 मिनट का आपका सेशन रहेगा और ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस सेशन के बारे में अपने मित्रों के साथ बताएंगे। और अगर आपको हिंदी के और भी क्वेश्चन करने हैं तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, सर इस सेशन को बंद मत कीजिए और हिंदी की वीडियो लाते रहिए जिनको भी करना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा कमेंट बॉक्स में करने के लिए, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा कमेंट बॉक्स में करने के लिए, तो जब आप लोग कमेंट करेंगे अपने उत्तर को तो अपना नाम भी लिखेंगे और आप कहाँ के हैं ये भी लिखेंगे, प्लस किस क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 9th या फिर 11th की, इसको भी लिखेंगे, नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और अपने किस स्थान से हैं आप ये भी लिखेंगे। तो ये सब लिख देंगे तो हमारे पास आपके आपकी डेटा पहुंच जाएगी आपके कहाँ से हैं कैसे हैं। और उसमें हमारा एक नंबर है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा 8574560837, ये नंबर है, इससे आप लोग जुड़ सकते हैं, ये आपको व्हाट्सअप नंबर है। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। देखिए चक्रपाणी में कौन समास है, चक्रपाणी में तो मैंने आपको बता दिया चक्रपाणी आपके जो आपके हाथ में चक्र धारण करता हो, अर्थात अर्थात आपके विष्णु, कौन चक्र धारण करता है आपके विष्णु ही तो धारण करते हैं आपके, मैंने पाणी मतलब होते हैं हाथ, हाथ में आपके चक्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु, और इसका तीसरा पद प्रधान है विष्णु, तो आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ना चक्र प्रधान है ना पाणी प्रधान है बल्कि विष्णु प्रधान है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। और अव्यय भाव समास क्या होता है, जिसका प्रथम पद अव्यय होता है, इसमें दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए, इसके आपके शुरुआत में आ अनु भर पेट भर प्रति यथा इस प्रकार के शब्द मिलेंगे प्रथम पूर्व पद में, तो आपका वो अव्यय भाव समास होता है। जिसमें कहूँ यथासंभव में कौन समास है, यथासंभव में लोग जैसे आप देखेंगे कि आगे यथा है तो समझ जाएंगे कि अव्यय भाव समास है। जैसे मैं कहूँ प्रतिदिन में कौन समास है, प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो आगे प्रति मिल गया तो आप लोग समझ गए कि कौन समास होता है, ये तो आपका अव्यय भाव समास होता है, इसका प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि सरासर, सरासर में कौन सा आपका, सरासर में कौन सा समास है, इसका उत्तर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि सरासर जो सरासर होता है इसमें कौन समास है, इसका मैं आपको विकल्प भी नहीं दे रहा हूं, आप लोग डायरेक्टली बताना है लिखकर कि सरासर में कौन समास है, सरासर में कौन सा समास है। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, इसको जिसने भी बता लिया वो समझेंगे कि आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है। तो सरासर में कौन समास है कमेंट करके उत्तर दीजिएगा, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा भी। देखिए नरोत्तम में कौन सा समास है, नरोत्तम मतलब जो दोस्तों नर में भी जो उत्तम हो, नर में जो उत्तम हो, तो नर की आपके नर की विशेषता बतला रहा है आपका उत्तम से, नर की विशेषता बतला रहा है उत्तम से, उत्तम से, तो विशेषण विशेषता का संबंध है, इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये कर्मधारय समास है। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम आपके 75 क्वेश्चन तक करेंगे आज, 75 क्वेश्चन तक आज हम करेंगे कि नवग्रह में कौन सा समास है, नवग्रह में कौन सा समास है। तो देखिए दोस्तों द्विगु तत्पुरुष द्वंद्व या फिर कर्मधारय, तो कर्मधारय नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा और द्वंद्व भी नहीं होगा। नवग्रह मतलब नवग्रहों का समाहार, तो आपका ये हो जाएगा द्विगु समास। मैंने आपको बताया कि जो इसमें भी प्रथम पद आपका जो होता है प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो उसे कहते हैं आपके द्विगु समास, तो आपका द्विगु समास हो जाएगा नवग्रह में, याद रखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में कौन सा एक देश शब्द है, दोस्तों देश शब्द ये होते हैं जिसकी जो उत्पत्ति होती है, इसकी कब उत्पत्ति हुई है ये आपको पता ना चले, इसकी उत्पत्ति कब हुई है और कहाँ से हुई है इसकी आपकी जानकारी नहीं मिलती है।
तो कौन होता है, ये आपका होता है, आपका ये होता है, आपका आपका ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका देसा शब्द होता है। तो अग्नि बिल्कुल नहीं, ये तो आपका भूखा नहीं, प्रार्थना भी नहीं होगा, खेत भी नहीं होगा, लोटा होगा दोस्तों। लोटा जो शब्द है एक प्रकार का ये देसा शब्द हो जाएगा। तो देसा शब्द आप लोग समझिए होंगे कि कौन से होते हैं आपके देसा शब्द जिसकी उत्पत्ति का पता ना चलता हो, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। शब्द दोस्तों कई होते हैं, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देसा शब्द, और एक होता है आपका दोस्तों संकर शब्द। संकर शब्द दोस्तों वे होते हैं जो आपके दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बने होते हैं। इसमें आपसे कहा रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, तो रेल दोस्तों इसमें आपके रेल जो है दोस्तों इसमें आपके इंग्लिश का शब्द है, क्योंकि इंग्लिश का शब्द है, और गाड़ी दोस्तों आपके हिंदी का शब्द है, और ये दो के अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर जब एक शब्द बनते हैं तो इसे कहते हैं संकर शब्द। इसे कहूँ धीराधीर तो एक कौन शब्द का संकर शब्द हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में अवश्य से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेंगे कि ये आपका सेशन यहीं पर समाप्त हो जाता है, और आप जान लेंगे कि यहाँ पर दोस्तों हमारे यहाँ पर जो जो इतनी भी क्लासेस आपकी चलती हैं ये सारी टाइम टेबल से क्लासेस चलती हैं। और जो जीके जीएस की क्लास दोस्तों सुबह आपके सोमवार और मंगलवार को जीके जीएस की क्लास चलती है, फिर बुधवार को आपको साइंस की क्लास चलती है, फिर बृहस्पतिवार शुक्रवार को जीके जीएस की क्लास, फिर शनिवार और रविवार को साइंस की क्लास चलती है। और ये बैच आपका 17 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और सीएचएस वालों के लिए एक खास चलाया गया है, और आप सबकी या आप लोग इसको जाकर देखेंगे सुबह 8 बजे ये क्लास चलती हैं बिल्कुल लाइव, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें चलती हैं। तो आप लोगों ने जितने भी दोस्तों अभी तक कि एक भी क्लास नहीं की हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में आपको दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीके जीएस की भी और साइंस की भी। तो जाकर देख लेंगे, साइंस के अभी तक आपके 6 वीडियो हो चुके हैं और जीके जीएस के अभी तक आपके 4 वीडियो हो चुके हैं। तो दोनों जाकर देख लीजिए और आपके नए सिरे से आपके इस क्लास को आपके शुरू कर दीजिए। और जिसने भी दोस्तों साइंस और जीके जीएस दोनों आपको रेगुलर में क्लास नहीं करके जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा, इसको मान कर चलेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होती है हमारे दोस्तों जीके जीएस की क्लास। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको फुल डिटेल में एनालिसिस के बताया है, और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने मित्रों को भी सजेशन दीजिएगा कि यहाँ पर जो क्लास चल रही हैं रेगुलर वे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें कराई जा रही हैं। और अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर से किसी भी विषय में अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट करके बता दीजिए कि सर इसमें समस्या है, मैं उसका स्पेशल वीडियो आपके लिए ला दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपके ही दोस्तों जो भी आप लोग कमेंट करते हैं उसी क्लास में आपके लिए अवश्य लेकर आता हूं। आप लोग कमेंट करते रहते हैं सर हिंदी की क्लासें लगातार लाते रहिए, इसलिए दोस्तों हिंदी की क्लास हुई थी उसके बाद मैंने दूसरी क्लास आपकी प्रोवाइड करा दी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, क्योंकि यहां पर सीएचएस संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहते हैं। चलो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।